जय जोहार संगवारी मन, आप मन के मोर यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ी रेसिपी बाय अंकिता में स्वागत है। आज मैं आप मन पर लेके आया हूँ खीर के रेसिपी। हरेली तिहार के आप सब जनला गाढ़ा गाढ़ा बधाई। तो हरेली के अवसर में आज मन बनाबो खीर। एक गाय के दूध के बने हुए खीर है और एक जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आते है और बहुत कम मेहनत के साथ बन के तैयार होते। तो चला आज हम गाय के दूध के जबरदस्त खीर बना के तैयार करत हैं। एक बार यहाँ पे मैं थोड़ा सा मावा ले हूँ, काजू किशमिश बादाम और कर साथ में मखाना ले हूँ। सब ला मैं अलग से काट के छोटे छोटे टुकड़ा में कर ले हूँ। आप मन ला सही को भी डाल सका था। यहाँ पे मैं 1.5 लीटर गाय के दूध ले हूँ। एक कारण यहाँ थोड़ा सा पीला दिखा थे। दूध लहा मन अच्छा से पका ले वो, अच्छा से उबाल करके ले ले वो। उबाले समय ध्यान रखिए कि जब भी दूध ला पकाना शुरू करबो तब तक से हमन चम्मच चलाए बस शुरू करबो, नहीं तो यह ना नीचे से चेप के बस शुरू हो जाएगी और जले जले टेस्ट आएगी। तो हमारा चम्मच चलाते हुए अच्छा से एला उबाल लेना है। यहाँ पे खीर में डाले पर आधा कटोरी चावल ले हूँ। हमने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध ले हैं नौकर हिसाब से। इला अच्छे से मैं धो करके रख ले हूँ। अब भिगा के इला बिल्कुल भी नहीं रखे हूँ। दूध ला चढ़ाए हूँ कर साथ ही चावल ला धो के रख ले हूँ। दूध जब हमन के अच्छा से उबल जाए तो हमन जो धुला वाला चावल है ओला हमन ऐड कर देबो। लगातार चम्मच चला दे वो अपन देख सकता था काफी अच्छा से उबाल आ चुके हैं। अब हमारे में अपन चावल ला डाल देबो। चावल डाले के बाद हमारा कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो जो चावल है वो नीचे तरी में चपक जाए। हल्के हाथ से चम्मच चलाते रहो और दूध ला हमारा अच्छा से गाढ़ा हो तक ले पका लेना है। चावल जैसे जैसे पकत जाही दूध के जो मात्रा है वो कम हो जाही और किनारे में आप मन के लिए दिक्कत हुई जो चपकत है ओला अच्छा से निकालत हुए हमारा एला पका लेना है। जितका ज्यादा अच्छा से कर किनारे के खुरचन न निकालबो उतका अच्छा रबड़ीदार हमार दूध के खीर बन के तैयार होगी। यहाँ पे मैं आधा छोटा चम्मच इलायची ला कूट के डाले हूँ। इलायची के पाउडर ला भी आपने मैं इस्तेमाल कर सका था। इलायची डाले लेकर जो खुशबू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते और एक जो टेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते। अगर आप मान ला इलायची की खुशबू पसंद नहीं हुई तो आप मन इला स्किप कर सका था। अच्छा से हमन चम्मच चलाते रहो और चावल जब तक अच्छा से नहीं पक जाएगी तब तक हमन ला चावल ला अच्छा से पका लेना है। जैसे ही हमन के चावल जो पक जाएगी ओकर बाद हमन ला चावल ला थोड़ा अच्छे से मैस हो तक ले पका लेना है। आप मन ला ध्यान देना है कि हमन ला जो गैस के जो आँच है वह मीडियम रखे बर है। ज्यादा अगर आप मन हाई में बनाइया तो जले के संभावना रहते तो आपन मीडियम फ्लेम में ही बनाइया। आप मन देख सकते हैं हमारे जो चावल है वो पकना शुरू हो चुके हैं। 10 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे चावल है। अगर फुल फ्लेम में पकाई है तो 10 मिनट में पूरा चावल दूध के साथ पक करके तैयार हो जाते। मेन जो हमन के खीर बनाए के प्रोसेस होते हैं चावल पके के बाद होते हैं। हमला दूध ला अच्छा से गढ़ाना रहते। जितका ज्यादा गाढ़ा घी रहते उतका ज्यादा उसका टेस्ट है ज्यादा आते। अच्छे से उबला थे आप मन देख सकता था। यहाँ पे मैं गैस ला फुल कर दे हूँ तो बहुत अच्छा से उबला थे। कोई मेरे खड़े होकर मैं बनाते रहे तो चपके के कोई संभावना नहीं रही से। अच्छे से ओला उबाल ले हैं ताकि चावल हमन के अच्छे से पक जाए। 5 से 10 मिनट अच्छे से उबालने के बाद अपन देख सकते कद का अच्छा मलाई हमन के जम के तैयार हुए। तो सब ला अच्छे से निकाला जाबो जेकर से हमन के जो खीर है एकदम रबड़ीदार बनी। एट्रिक ला आप मन भी अजमाई है कि किनारे के जो खुरचन है ओला निकाल करके दूध में ही वापस डाल दिया। एक साथ ही मैंने आधा कटोरी चावल ले रहे हैं तो एक कटोरी यहाँ पे मैं शक्कर डाले हूँ। शक्कर डाले के बाद एकदम से हमन के जो दूध है वो उबलना बंद हो जाते। आराम से इला हमन घुलन देबो ओकर बाद दोबारा उबाल तक ले अच्छे से इला पका लेबो। दूध में उबाल आए पर शुरू हो चुके हैं। एक मतलब है कि हमन के जो शक्कर है वो दूध में अच्छे से घुल चुके हैं। अब हमन जो मावा वाला काट के छोटे छोटे रखे रहन ओला डाल देवो। इस समय में हमन ला काजू किशमिश डाले ले ये फायदा होता है कि किशमिश जो होते अच्छे से फूल जाते और काजू बादाम के फ्लेवर भी हमारे खीर में बहुत अच्छे से आ जाते और खाए में भी एकदम नरम लगते। अगर आप मन बाद में डालिए तो एक जो टेस्ट है वो थोड़ा टाइट टाइट भी लगते और खीर में उसका फ्लेवर उसका अच्छा आ भी नहीं पाया। इस समय डाले में अच्छे से उबल जाते तो पूरा उसका फ्लेवर आ जाते। आपन देख सकता था कि जो हमारे खीर है वो बहुत अच्छे से उबले बस शुरू हो चुके हैं। मलाई भी जमना शुरू हो चुके हैं। अच्छे से हमारे नीला मिला जाबो। अब हमारा जो खीर है वो एकदम गाढ़ा करे पर शुरू कर देना है। आँच ला हमारा अब यहाँ पे धीमा कर देना है काबर की हमन के जो चावल है वो काफी अच्छा पक चुके हैं। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ दूध ला गाढ़ा करना है जेकर से जो हमारे खीर है वो एकदम गाढ़ा बनके तैयार होगी।
10 से 15 मिनट हमन हल्का हाथ से अच्छा से ला मिलात रहबो, जेकर से बिल्कुल यह नीचे मनई चपकी और बहुत स्वादिष्ट खीर बन के तैयार हुई। आप मन ला अगर मोर रेसिपी अच्छा लगत हुई तो कमेंट करके बताइया। और साथ ही अगर चैनल मन आवा हुआ तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो ला लाइक कर दिया और संगी संगवारी मन संग शेयर फॉलो कर दिया। ये देखा 10 मिनट के बाद हमारे खीर जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा बन करके तैयार हो गए है। अब हमन गैस ला बंद कर देवो और थोड़ा सा ठंडा होने देवो, जेकर से जो हमारे खीर है वो और 10 मिनट में गाढ़ा हो जाएगी। अमन के खीर खाए बर बिल्कुल तैयार है। आप मन एला 1 घंटा फ्रिज में भी रख सकते हो, कर लिए और ज़्यादा गाढ़ा होकर के तैयार हो जाते। मखाना डाले ले भी ये बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ते। अगर आप मतलब पसंद नहीं तो आप मन ओला स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे एक बर्तन में मैं खीर ला ट्रांसफर कर ले हूँ तो दिखत है ना एकदम जबरदस्त। अब हमन एक ऊपर थोड़ा सा बादाम और काजू ला डाल देबो, जेकर से एक सुंदरता बढ़ जाएगी और खाए में यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। आप मान ला अगर मोर रेसिपी अच्छा लगी सो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो ला लाइक कर दिया और कमेंट करे पर बिल्कुल भी झन बुलाइए। जल्दी मिला था ना मन अपन नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हरेली त्यौहार के आप मन ला एक बार और फिर से बहुत बहुत बधाई।